2023 में वैगनर रोवर एडिशन को आप लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। पूरे इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से वैगनर को एक रेंज रोवर का लुक हमने दिया। अब नया साल आ चुका है एंड नए साल में एक बार फिर से वैगनर रोवर एडिशन आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है, द वैगनर 2024 रेंज रोवर लुक। क्योंकि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस ग्रिल के ऊपर है कि कंपनी की ग्रिल हटा के जो रेंज रोवर स्टाइल ग्रिल इसके अंदर हमने लगाई है, इस ग्रिल का लुक देख सकते हैं। इस ग्रिल के साथ जब इस हेडलाइट को हम देखते हैं, द ओमेगा DRL इज एडेड इनसाइड द हेडलाइट। आपकी ही हेडलाइट के अंदर जब ये DRL ऑन होती है तो एक जैसे एक रेंज रोवर में DRLs हम देखते हैं, ऐसी वैगनर के अंदर हमने इंटीग्रेट की है। ये गाड़ी में एलॉय व्हील्स नहीं लग के आते थे, तो 14 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो मारुति के जेन्युइन है इसके अंदर हमने लगाए हैं। एंड जैसे रेंज रोवर में साइड में एक आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं, द इल्यूमिनेटेड साइड वेंट्स भी इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। बट आज का जो वीडियो बनाने का भी पर्पस है इज़ टू लॉन्च द हिडन एम्बियंट लाइट जो ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई है। इसका लुक, इसकी फिनिशिंग एंड इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो हम एम्बियंट लाइट लगाते थे वो दिखती थी, उसको आप टच कर सकते थे, ये आप लोग देख सकते हैं। जो न्यू इसके अंदर हमने लॉन्च की है वो टोटली तरीके से हिडन आती है। आप लोग देख सकते हैं कि खाली लाइट की रोशनी मुझे दिख रही है, लाइट नहीं दिख रही है। लाइट इस सिल्वर गार्निशिंग के अंदर हिडन है। ये स्पेशली वैगनर जैसी गाड़ियों के लिए डेवलप की गई है जिन गाड़ियों में जगह नहीं दी है कंपनी ने लगने के लिए। इसका जो लुक है कितना एडोरेबल है, कितना ज़बरदस्त है आप लोग देख सकते हैं। जो चारों दरवाज़ों पे हमने लगाई है, जस्ट सी द गेटअप ऑफ द एम्बियंट लाइट इन द कार। कमिंग टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार, द सीट कवर्स इन द कार हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द पर्शियन ग्रीन कलर, जो हमारे क्लब क्लास के कवर्स आते हैं, द टोटली न्यू लॉन्च ब्रांड द क्लब क्लास एडिशन सीट कवर्स इसके अंदर हमने लगाए हैं इन द ब्लैक एंड द पर्शियन ग्रीन कलर। फ्लोर मैट भी टॉप गियर ब्रांड की 7D मैट हमने लगाई है जिसमें कोई लेमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर तक जाती है। पाँव इसके ऊपर रखना है, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है द अपर लेयर इज रिमूवेबल, वो लेमिनेशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है जो बेसिक लोग करते हैं। गियर के नीचे का जो कंसोल है उसको भी पर्शियन ग्रीन टच हमने दिया है। ऊपर स्टोन एडिशन की स्टाइलिंग किट हमने लगाई है। स्टेयरिंग को भी हमने ब्लैक एंड पर्शियन ग्रीन टू टोन में रैप किया है। स्टेयरिंग भी गाड़ी का चेंज किया, ये गाड़ी में कंट्रोल्स नहीं आते थे, वॉल्यूम अप डाउन, नेक सॉन्ग, बैक सॉन्ग, म्यूट, कॉल आंसर, कॉल रिजेक्ट, वॉइस कमांड, ईच एंड एवरी फंक्शन के साथ स्टेयरिंग भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया। द नेट प्ले जैपनीज प्लेयर जिसका मदरबोर्ड मेड इन जापान है विथ 4K वीडियो क्लैरिटीज, एक एक वीडियोज जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, प्लस स्पेशली जो 4K का जो लुक है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो क्लैरिटी है वो एक्सेंट है। अब ये क्लैरिटी आपको ब्लॉपंग में भी नहीं मिलेगी, आपको XYZ कोई भी एंड्रॉयड में आपको नहीं मिलेगी। इसमें सिम कार्ड लगने की भी जगह आती है, जैसे आपको Amazon प्राइम, Netflix देखना है तो बाकी प्लेयर्स में आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें देयर इज़ अ प्रोविजन टू ऐड द सिम कार्ड, इसका स्लॉट भी आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से इसमें ऑफलाइन मैप आते हैं, जैसे आपको कोई भी प्लेयर में कम से कम ब्लूटूथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपके मोबाइल का मैप यूज़ करने के लिए, इसमें ऑफलाइन मैप है, डायरेक्ट एड्रेस डालना है वो आपको नेविगेट करेगा। हर्ट्ज़ के कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं आगे की तरफ जिसके ट्यूटर्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। क्रोमिंग का वर्क हमने किया है थोड़ा सा विंडो के ऊपर, बट एक एलॉय व्हील, एक DRL, एक ग्रिल, एक फ्रंट एंड बैक डिफ्यूज़र जो एक स्पोर्ट्स कार का लुक देता है आगे से एंड पीछे से, तो 2 exhaust के साथ इसका लुक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन एंड अमेजिंग लुक उसके अंदर हमको मिलता है। स्पॉइलर हमने लगाया है, ये गाड़ी के अंदर स्पॉइलर नहीं आता है। जो एलॉय व्हील का लुक है विद द पर्शियन ग्रीन लोगो विद द रोवर एडिशन लुक, एक वैगनर है बट एक रेंज रोवर का मिनी लुक इसको हमने दिया हुआ है।
हेडलाइट के जो बल्ब हेलोजन आते थे उनको LEDs में हमने अपग्रेड किया है, जो रोड पे रोशनी देते हैं फोकस्ड एंड वाइट। इसका अपर एंड डिपर पे वर्किंग परफॉर्मेंस भी आप लोग देख सकते हैं। फेंडर्स के ऊपर जो इंडिकेटर थे उनको रिप्लेस करके जो हमने लगाए हैं वो हेडलाइट चालू होने पे वाइट है एंड एज सुन एज यू टर्न ऑन द इंडिकेटर ऑरेंज पे स्विच हो जाते हैं। बट ये एम्बियंट लाइट आप लोगों को कैसी लग रही है इसका एक कमेंट ज़रूर आना चाहिए। एंड सर भी हमारे साथ में हैं, संदीप जी हमारे साथ में हैं, जिनकी वैगन आर को एक रेंज रोवर का लुक हमने दिया है। मेरे 200 से ऊपर वीडियोस हैं बट उन सारे वीडियोस को सर ने फॉलो किया है और सुबह आए मेरे को पूछा भी नहीं कि सर आप क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो, ये चाबी है एंड ये गाड़ी है, डू वॉट एवर इज़ बेस्ट, एक ही चीज़ उन्होंने मेरे को बोली। बट इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करके जब इतने दूर से मेरे पास आए हैं, एम्बियंट लाइट जो हमने लॉन्च की है, कैसी सर अपनी गाड़ी हो गई है क्या बोली? थैंक यू रोहित सर, खूब छान गाड़ी झाली, मला वाटलं नव्हतं एवढी छान होईल, पण जो विचार केला होता त्याच्यापेक्षाही खूप सुंदर झाली गाड़ी। एम्बियंट लाइटचा लुक कसा आलेला? एकदम एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट एक्झिक्युटिव्ह आणि काय बाहेरून लावलेली आहे अशी एकदम लक्झरियस लुक झाला सर। बरोबर आहे, एकदम लक्झरियस। थँक यू आपल्याला। मॅडम कशी वाटली गाडी काय म्हणू? खूप छान वाटली गाडी, मस्त एकदम। कुठे राहिला कुठे आपण? पुण्यामध्ये। पुणे से हमारे पास आए हैं वीडियो देख के। द रेंज रोवर एडिशन ऑफ वैगनआर, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो वगैरह जब तक लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली।